नमस्कार, मैं हूं गीता साव और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को डिफीट करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग विगत 3 महीनों में 10 बार आया हूँ, जनता से भी संवाद किया है, व्यापारियों से भी किया है, आदिवासियों से भी किया है, युवाओं से भी किया है, महिलाओं और दलितों से भी किया है, ओबीसी समाज के भी ढेर सारे नेता को मैं मिला हूं। सर्वदूर एक भावना बनी है कि इस बार यहां परिवर्तन होने वाला है, मगर फिर भी हम जो वादे करते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने जब जब भी वादे किए तो जिम्मेदारी के साथ किए। और हमने छत्तीसगढ़ को वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। मैं आज आप सब के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही और 9 साल मोदी जी की सरकार रही। 10 साल में डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड में सोनिया मनमोहन सरकार ने 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के लिए लिया था और हमने 9 साल में 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3,00,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भेजने का काम किया। 9,000 करोड़ से ज्यादा रोडवेज के काम किए हैं, रेलवेज के लिए 2500 करोड़ अंतिम बजट में सिर्फ आवंटन किया है, 162 करोड़ की लागत से रायपुर एयरपोर्ट का उन्नयन मोदी जी कर रहे हैं, 42 एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए हैं, 500 मेगावाट की क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की है, पिछले 3 वर्षों में नक्सल प्रभावित एरिया में 1200 बैंक की शाखाएं, 5000 डाकघर और 2300 मोबाइल टावर बनाकर वहां पर रीच बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जगदलपुर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम बनाने का काम किया है और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम मोदी जी ने यहां पर किए हैं, जिसकी बहुत लंबी सूची है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर गरीब को घर, घर में बिजली, शुद्ध पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, शौचालय और इसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरकार न होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा बहुत प्रमुखता के साथ और एग्रेसिवनेस के साथ की। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विघ्न है और ये विघ्न मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। भूपेश बाबू, कुर्सी तो वैसे ही जाने वाली है क्योंकि 5 साल तक आपने कांग्रेस हाईकमान के एटीएम बनने के अलावे कोई काम नहीं किया है। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का कांग्रेस के एटीएम में डालकर दिल्ली पहुंचा है।